पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें कराची से। मंजूर कॉलोनी कश्मीर प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग फर्नीचर की दुकान में लगी है। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने काबू पाया है। कराची में मंजूर कॉलोनी कश्मीर प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग फर्नीचर की दुकान में लगी। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने काबू पा लिया। साजिद रऊफ से सवाल से तफसीलात लेंगे। जी साजिद, क्या सूरत हाल है अभी? देखिए, ये कराची की मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट है, जहां पर कश्मीर प्लाजा में के फर्नीचर की शॉप में यह आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। फौरी तौर पर साथ ही फायर ब्रिगेड का स्टेशन मौजूद था, जहां से फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने तकरीबन एक घंटे की कोशिश के बाद फर्नीचर की जो दुकान थी उसमें लगने वाली आग पर काबू पा लिया। ये एक बताते चलूं कि ये जो आग थी, ये फर्नीचर के साथ साथ इसके अंदर दुकान में जो है बड़े पैमाने पर जो है वो फॉर्म भी मौजूद थे, गड्ढे मौजूद थे, जिसके अंदर ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फौरी तौर पर जो आतिशबाजी के वाकये की वजह था, फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फौरी तौर पर जो आतिशबाजी के वाकये की वजह जो है वो सामने नहीं आ सकी है, और ना ही जो ऐसी फर्नीचर की दुकान थी या शोरूम था इसके अंदर जो किसी किस्म का कोई आग पर फौरी काबू पाने के लिए किसी किस्म के कोई इंतजाम किए गए थे। तहम फायर ब्रिगेड की गाड़ी अमला यहाँ पर बर्वक पहुंच गया था और उसने जो सामान बेशतर सामान जो है दुकान के अंदर उसने जलने से बचा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कूलिंग का अमल जारी है, जो कुछ देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आपने हमें तफसील नकाश किया।